हाँ, मैंने माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, लेकिन इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। दोस्तों, आज मैं ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ जो इस पूरी दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की मिसाल है, जिसने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अपने अकेले के दम पर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक ऐसी सड़क बना दी जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को महज आधे घंटे में तय किया जाने लगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी प्रेमिका, अपनी मोहब्बत फागुनी की याद में यह अद्भुत काम कर दिखाया। तो दोस्तों, आइए बिना आपका समय खराब किए हुए मैं शुरू से इस जुनूनी इंसान के बारे में डिटेल में बताता हूँ। माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का जन्म करीब 1934 में हुआ था। दशरथ बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलौर में रहते थे। इस पिछड़े गांव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके गांव में ना तो दुकान थी, ना ही स्कूल, और पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए वहां के लोगों को गांव और कस्बे के बीच का एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 70 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुंचना होता था। गरीबी की वजह से दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद की कोयलों की खान में काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह फिर से अपने घर लौट आए और फागुनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। दशरथ का परिवार गरीब तो था लेकिन बहुत खुश था, और फागुनी, जिसे दशरथ प्यार से फगुनिया बुलाते थे, वो तो उनकी जान थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहजहां की मुमताज। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही नजर लग गई, क्योंकि वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। लकड़ी काट रहे अपने पति दशरथ के लिए खाना ले जाते समय फागुनी का पैर फिसला और वह पहाड़ों से गिर गई, जिससे वह बहुत ही जख्मी हो गई और अगले कुछ घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर फागुनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती, लेकिन गहलौर गांव से तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था, और पहाड़ के घुमावदार रास्ते से शहर की दूरी बहुत ही ज्यादा थी। यह घटना दशरथ मांझी के दिल पर चोट कर गई। आखिर उनकी मोहब्बत ने उनका साथ जो छोड़ दिया था, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहते थे। कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद दशरथ ने संकल्प लिया कि वह इस विशाल पहाड़ को काटकर बीचों बीच रास्ता निकालेंगे, जिससे किसी और की मोहब्बत उसका साथ ना छोड़े। और फिर उसके बाद से वो पूरे 22 साल लगे रहे, ना दिन देखा न रात, ना धूप देखी न छांव, न सर्दी न बरसात, बस लगे रहे। वहां न कोई पीठ ठोकने वाला था, न शाबाशी देने वाला, उल्टे गांव वाले उनका मजाक उड़ाते फिरते। परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, और यही सच हुआ। दशरथ ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और छेनी की मदद से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर दिया और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उसकी प्रेमिका, उसकी फगुनिया को उससे छीना था। अब गहलौर और वजीरगंज की दूरी जो पहले 60 किलोमीटर होती थी, अब सिर्फ 10 किलोमीटर रह गई है। बच्चों का स्कूल जो 10 किलोमीटर दूर था, अब सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है।
पहले अस्पताल पहुंचने में सारा दिन लग जाता था, उस अस्पताल में अब लोग सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। आज उस रास्ते को उस गांव के अलावा 60 और गांव इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब दशरथ ने यह काम स्टार्ट किया था तो लोग उन्हें पागल कहते थे और मजाक भी उड़ाते थे कि अकेला तो क्या कर लेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, और साथ ही साथ सफल होने के लिए संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के एक दो साल नहीं पूरे 22 साल का कठोर मेहनत करने के बाद दशरथ ने इस पहाड़ के गुरूर को तोड़ा था। दोस्तों, दशरथ मांझी का कहना था कि अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो कुछ आता था उसी के दम पर मैं मेहनत करता रहा। मेरा यही मंत्र था कि अपनी धुन में लगे रहो, अपना काम करते रहो, चीजें मिले ना मिले इसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर रात के बाद दिन तो आता ही है। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा, और साथ ही साथ दशरथ मांझी के नाम पर पक्की सड़क और हॉस्पिटल के निर्माण का वादा किया। मार्च 2014 में आमिर खान द्वारा चलाए गए प्रसिद्ध टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2 का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आमिर खान ने मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और बहू बसंती देवी से मुलाकात की और उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को पैसे ना होने की वजह से बसंती देवी की मृत्यु हो गई, और हाल ही में उनके पति ने ये कहा कि अगर आमिर खान ने मदद का वादा पूरा किया होता तो शायद बसंती की जान बच जाती। दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया ताकि वो पूरी दुनिया के लोगों को यह बता सके कि सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने प्रयास में निरंतर जुटे रहें। बहुत से लोग कभी इस बात को नहीं जान पाते कि जब उन्होंने अपने प्रयास छोड़े हैं तो वह सफलता के कितने करीब थे। आखिरकार 17 अगस्त 2007 को कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दशरथ मांझी की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोस्तों, भले ही दशरथ मांझी आज हमारे बीच ना हो, पर उनका यह अद्भुत कार्य आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।